नमस्कार दोस्तों, ये मटीला गांव है, शीतला खेत कस्बे का मटीला गांव। पिछले दिनों मेरा जाना हुआ पहाड़ पे चढ़ के, हम लोग ग्रामीणों से मिलने उनके घर पे गए। लोगों ने अब पुराने परंपरागत घर बनाने की बजाय नए तरीके से ईंटों के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। ये गांव को जाती हुई पगडंडी, मकान पुराने तरीकों से ना बनाकर नए तरीकों से क्यों बन रहे हैं, इसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की वीरेंद्र मिश्र जी से। ये गांव की बाकली है जहां पे कई परिवार इकट्ठे रहते थे, इनमें से कुछ परिवार लोग यहां पर रह रहे हैं, इकट्ठे मकान बने हुए हैं, इसको बोलते क्या है? बाकली, इसको बाकली बोलते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं यहां पे आज इसमें रहते हुए? इसमें क्या है, एक दो जने रहते हैं। कितनी वैसे कितने परिवार से पहले? पहले अब है, अब सारे अब सब हो गए, जा गए हैं। हाँ, इधर उधर जा रहे हो। मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट हुआ और निवासी में नौला, ग्राम नौला। आप कहाँ रहते हैं, मतलब आप घर हैं? हाँ, मेरा घर है। नया मकान बना लिया आपने? नहीं नहीं, घर है मेरा, गांव है। मेरा पुराना मकान है, अब भी पुराना है, लेकिन एक नया मकान और बनाया हुआ है। हम रहते पुराने मकान में, नया किराए पर दिया हुआ है। पुरानी घर बने हुए हैं, वो उनकी शेप ऐसी क्यों है कि नीचे छोटी छत है, ऊपर लोग रह रहे हैं? जी, इसमें ये था सर, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनका ये मानना था, जो हमारे पुरानी शैली के जो घर होते हैं उसमें नीचे गोट कहते हैं, गोट कहते हैं, गोट में रहती थी गाय, बच्ची, बकरी, भैंस, गाय, ये सब चीज़ें रहती थी, और उसके ऊपर लकड़ी डाली रहती थी और उसमें पाल डाली रहती थी, हमारी मिट्टी की पाल कहते हैं उसको, नाम होता है पाल, वो पूरा मिट्टी से बनी होती थी, की लिपाई भी होती है। तो ऊपर जो हम लोग रहते थे तो उसका ये कारण था रहने का, ऊपर इस तरह की छत होती थी, उस छत में लकड़ियाँ होती थी तो, और ऊपर पत्थर डाले रहते थे, पत्थर की छत होती थी। तो उसका ये मतलब था, जो गाय नीचे रहती हैं तो गाय का नीचे रहने का मतलब ये था, जाड़ों के टाइम पर वो कमरा गर्म रहेगा और गर्मी के टाइम पर वो कमरा ठंडा रहेगा। तो ये उसकी खासियत थी उन घरों की। और दूसरी खासियत उसमें ये था कि वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे जाले होते थे उसमें, बहुत छोटे थे, तो वहाँ उसमें कोई दरवाज़ा या कोई वो इस तरह का नहीं लगा रहता था, तो वहाँ से हवा आसपास होती रहती थी। दूसरा, घर के अंदर जो है आग भी जलती थी, खाना बनता था, उस खाने बनने से जो धुआं निकलता था वो धुआं जाके ऊपर जो छत में लकड़ियाँ लगी रहती थी उन लकड़ियों में पूरा काला कर देता था, एक इस तरह का पेंट जैसा लग जाता था, अगर हम उसको छूएंगे तो पेंट जैसा लगता था। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता था, वो घर, वो जो लकड़ी है वो सालों साल तक टिकती थी, करीब 100 साल उसकी एज हो जाती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि ना उसमें कीड़ा लगता है, ना उसमें दीमक लगता था, ना कोई और चीज़ उसको नुकसान करता था। सिर्फ पानी जो है, पानी भी अगर छत टपक रही है, पानी भी अगर उसमें आ रहा है तो पानी को भी बाईपास कर देता, पानी भी लकड़ी के अंदर नहीं लगता। तो ये मेन खासियत उन घरों की होती थी। अब इस तरह के घर को नहीं बनाया जा रहा? अब इस तरह का सर थोड़ा सा ट्रेंड ये चेंज हुआ है पहाड़ के अंदर आज की, पड़ोसी को देख के पड़ोसी जो है नया मकान बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है क्योंकि पुराने घरों के लिए आज जो है पत्थर की बहुत सारी कमी हो गई है। दूसरा, पहले से जंगल से हकूक मिलते थे लोगों को, वहाँ से लकड़ियाँ मिल जाती, आज वो जो लकड़ियाँ हम छत पर लगाते थे वो लकड़ियाँ मिलना बंद हो गई, वो हम जंगल से काट नहीं सकते और इसे से निकाल सकते। और दूसरा क्या है, जो पत्थर बोलते हैं उसको, हम बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो वो पत्थर जो छत में लगाए जाते थे उनकी खाने आग बंद हो चुकी है, अब उनको भी हम नहीं निकाल सकते, उसको भी राजस्व डिपार्टमेंट, अगर हम कहीं निकालते हैं तो राजस्व डिपार्टमेंट तुरंत आपको पकड़ लेगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको पहाड़ में चेंज हुए, मुश्किल से 20 साल से आप लोग ये लेंटर वाला मकान बनाने लगे, इस तरह के धीरे धीरे पुराने मकानों को छोड़ने लगे। पुराने मकानों भेदभाव की जा सकती, जो जिन लोगों के पास थोड़ा सा है कि उसको ठीक ठाक कर लें पैसा है, तो वो ठीक ठाक करके उनमें सजोए भी हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। अगर समय हो मैं तो आपको ऐसे भी घर दिखा दूंगा गांव में, जो बहुत बढ़िया नक्काशी उनमें है, और आपने एक फ़ोटो अभी ली थी वहाँ पर, बढ़िया सी नक्काशी उसमें करी है उन दरवाजे में और उसमें। तो अब लोग जो है नए घरों में आने लग गए, तो वो घर उन्हें धीरे धीरे छोड़ दिए, तो वो घर टूटना शुरू हो गया, क्योंकि जिस घर में कोई रहता नहीं है तो फिर वहाँ खत्म। कुछ जगह पर आज भी लोगों ने पुराने घर सहजे हुए हैं, जिनमें से कई घर तो 200-200 साल पुराने भी हैं और लोग आज भी वहां रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।